हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ पीयूष एंड आज भी हम रोज़ की तरह ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा वर्ब्स। आपको पता है हमने नाउन्स, आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें बताई हैं जो हर क्वेश्चन में फॉलो नहीं होती हैं, बट बैंक यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में अपने क्वेश्चंस में उन स्पेशल चीज़ों को फॉलो करता है जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? सो आज भी हम वर्ब्स में बेसिकली ऐसी कुछ बातों को करने वाले हैं जो जनरली स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और उनकी वजह से उनके आंसर्स या फिर यूँ कह लीजिए कि एग्जाम मार्क्स कम आ जाते हैं, ठीक है? तो सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा अच्छी तरह से, ताकि एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं इस ट्रिकी क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, उस क्वेश्चन को आप मेरे साथ में आंसर करने का भी ट्राई करते रहेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है, इन दिस मॉडर्न एरा 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड एज वी हैव अ लॉट ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल 24/7। बिल्कुल सही बात कही है इसने। आज के टाइम पे 20 मील की दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, बिकॉज हमारे पास कई सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं, क्लियर? तो देखो यहाँ पे बेटा एक चीज़ हो रही है, यहाँ पे कह रहा है 20 माइल्स 20 मील, यहाँ पे ना बगल में आर लगा हुआ है, तो अनडाउटेडली जब हम प्लूरल चीज़ की बात करते हैं, जब हम प्लूरल बोलते हैं तो नाउन जो वर्ब होती है वो भी कैसी लगती है बेटा? प्लूरल, ठीक है? तो यहाँ पे 20 माइल्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन 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 एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ये कहना चाह रहा है इस मॉडर्न एरा में 20 मील कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे है यूज़ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बहुत आसान सी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जहाँ पे भी आपको है लगाना पड़ेगा वहाँ पे आप हमेशा वर्ब कैसे रखोगे बेटा? सिंगुलर, ठीक है? और जहाँ पे आपको है लगाना पड़ेगा, यानी कि ये जो बिंदी है, ये जो है के साथ में बिंदी आती है, ये जब आ जाएगी तो ये प्लूरल हो जाएगा। ये एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, फिर से देखिए, जब भी ये रहेगा है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। जैसे ये होगा हैं, ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मैनी पीपल आर कमिंग, यानी कि आर यूज हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा वो आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज कमिंग। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने बोला है वो आ रहा है तो दैट विल बी इज, अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल, यानी कि आर उसमें यूज होने लगेगा। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो 20 मीलों की एक दूरी है, एक दूरी जिसकी बात हो रही है, यानी कि यहाँ लिखा है 20 माइल्स लेकिन इसको कंसिडर क्या किया गया है? एक की तरह। तो इस लिहाजे से यहाँ पे जो आर लगा है बेटा ये गलत है, इट शुड बी इज। 20 मील की दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत हाई फाई हो चुकी हैं। क्लियर है ये बात? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे, जब भी कभी ऐसा होगा कि कोई नाउन यूज़ हो रहा होगा, आप उसको ये कंसिडर करके हमेशा वर्ब लगाएंगे कि वो सिंगुलर की तरह यूज़ हुआ है या प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है। क्लियर है? तो इसमें जो नाउन यूज़ हुआ है ये देखने में प्लूरल लग सकता है, बट एक्चुअली में ये कैसा है? ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ से आर हटेगा और यहाँ पे यूज़ हो जाएगा इज, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप इसका आंसर आ गया होगा, इस क्वेश्चन का, पहले वाले का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आर की जगह पे इज होना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक, आई थिंक द वन यू ट्राइड यस्टरडे वॉज बेटर दैन ऑल ऑफ दीज ड्रेसेस, ठीक? अब देखो बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे, जैसे नीदर और नीदर नॉर, देखो यहाँ पे नीदर नॉर, ईदर यानी कि जिसको आइदर भी कहते हैं कुछ लोग, आइदर और, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपने सुनी होंगी, इसके साथ में आपको वर्ड यूजेज, वर्ब कैसी यूज़ होती है, नाउन कैसा यूज़ होता है, ये सब पता होगा। दूसरा देखिए बेटा क्या होता है, दूसरा होता है ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ, यानी कि नाइदर ऑफ, ठीक है? ये जो चीज़ें दो यूज़ होती हैं,
इनके साथ में कैसे फॉलो होता है, क्या फॉलो होता है, वो आज हम सीखेंगे। देखो, जब भी इधर ऑफ या नीदर ऑफ में से कुछ भी फॉलो होगा, हमेशा एक बात ध्यान रखना, बात कितनी चीज़ों की हो रही होगी बेटा, दो चीज़ों की। क्लियर है? तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे नीदर ऑफ यूज़ किया है, यानी कि बात किस चीज़ की हो रही है, दो चीज़ की। ठीक है, यहाँ पे जो ये ए वाला पार्ट है मेंशन्ड, ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए गिव और यू के बीच में। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये इधर यहाँ पे जो पार्ट है ये एक्चुअली में होना चाहिए, ए वाला जो डिवीजन है ये कहाँ होना चाहिए, गिव और यू के बीच में। इस चीज़ को आप माइंड में रख लीजिए कि ये गिव और यू के बीच में ये पार्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ए पार्ट नहीं है, उसको काट दे रहा हूँ मैं। अब देखो कह रहा है नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ऑफ ऑल दीज ड्रेसेस, मतलब कई सारे ड्रेसेस होंगी, अगर दो होता तो वो बता देता। यानी कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे नीदर ऑफ यूज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो चीज़ों की बात नहीं हो रही है। ठीक, अब देखो जब भी दो चीज़ों की बात होती है हम नीदर ऑफ या ईदर ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद में क्या होता है, हमेशा जो नाउन होता है बेटा वो प्लूरल होता है। नाउन जो होता है नीदर ऑफ या ईदर ऑफ के बाद में, ये कैसा होता है, प्लूरल, क्योंकि हमेशा दो चीज़ों की बात हो रही होगी, तो नाउन कैसा यूज़ होगा, प्लूरल। वर्ब बेटा कैसा यूज़ होगा, हमेशा सिंगुलर। समझ में आ रहा है, वर्ब हमेशा कैसा यूज़ होगा बेटा, सिंगुलर। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे कह रहा है नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट ग्रेट लुक, तो गिव पहली बात यहाँ गलत हो गया, दूसरी चीज़ यहाँ पे नीदर ऑफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, देखो जब नीदर ऑफ को रिप्लेस करना होगा तो एक नेगेटिव वर्ड लगाएंगे, वो नेगेटिव वर्ड होगा नन। ठीक, अगर यहाँ पे ईदर ऑफ होता तो क्या लगाते, एनी। ठीक है, एनी ऑफ लगाते, तो यहाँ से नीदर ऑफ हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज ड्रेसेस गिव्स यू, नन ऑफ दीज ड्रेसेस गिव्स यू दैट ग्रेट लुक। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ पे नन ऑफ क्यों लगा रहे हैं बेटा, क्योंकि नन ऑफ लगता है जब दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक, नीदर ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, यहाँ पे दो मेंशन्ड नहीं है इसलिए हम दो से ज़्यादा मानेंगे। अगर यहाँ पे ईदर ऑफ लगा होता तो हम एनी ऑफ लगाते। ठीक है, और नीदर ऑफ के बाद में या नन ऑफ के बाद में सेम वही रूल फॉलो होता है जो नीदर ऑफ के साथ में होता है, यानी कि नाउन कैसा लगेगा, प्लूरल, तो देखो यहाँ पे ड्रेसेस लगा है, प्लूरल है। वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे गिव्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आया है? जो डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, लाइव इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू क्वारंटाइन, सो नीड नॉट वरी, हम यहाँ पे ही अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और डेवलपमेंट और चीज़ों की लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, ये कोरोना भी जल्दी ही पास हो जाएगा और फिर हम लाइव आके क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नया क्या है इसमें। देखो यहाँ पे कह रहा है इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द इलीगल वर्क्स हैपनिंग इन दिस कंपनी एंड आई एम रेडी टू रिजाइन ऑन द स्पॉट। अब देखो यहाँ पे ये एक बड़ी समस्या है, ये कह रहा है इट इज़ आई, पहली बात तो यहाँ पे जो आई यूज़ हुआ ये सही है कि नहीं, है ना, सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा। देखो जब भी कभी ये वर्ड यूज़ होते हैं, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, ये जो वर्ब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जब भी यूज़ होंगे इनके जस्ट बाद में क्या यूज़ होगा बेटा, हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा। यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसा हो गया, जैसे आई, ही, शी, दे, ये हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव होगा मी, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव होगा हर, दे का ऑब्जेक्टिव होगा देम। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव वाले केसेस यूज होंगे जो मैं वर्ड्स लिख के बता रहा हूँ इनके बाद में। वो वर्ड्स कौन से बेटा, देखो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड सच एज। ये शब्दों में से कोई भी अगर यूज हुआ है बेटा तो उसके जस्ट बाद में कौन सा वो लगेगा, सब्जेक्टिव। यानी कि यहाँ पे जो आई लगा है ये सही है। देखो आप ओरली क्या सोच सकते हो कि यहाँ पे इट इज़ मी होना चाहिए, लेकिन अभी जो रूल बताया उसके हिसाब से यहाँ पे आई सही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। अब यहाँ पे क्या आई के साथ में बेटा सोचो आप इज़ हो सकता है, कभी भी नहीं, आई के साथ में इज़ होना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इज़ लगा इसको क्या करना पड़ेगा, एम। ये पढ़ने में थोड़ा सा ऑड लगेगा बट यही सेंटेंस सही है, इट इज आई हु एम टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द इलीगल वर्क्स हैपनिंग इन दिस कंपनी।
समझ में आ रहा है? यहाँ पे एम क्यों लगा है और एम हमें अजीब क्यों लग रहा है? अगर आप ये समझना चाहो तो देख लो ध्यान से। जब भी बेटा कभी भी एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें डब्ल्यू एच आ रहा हो और वो सवाल पूछ सकता हो, वो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुम, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है? ऐसे कोई भी वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें डब्ल्यू एच आ रहा हो, वो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है बेटा, तो उसके लेफ्ट साइड वाली चीज़ और राइट साइड वाली चीज़ अग्री नहीं करती मिलती है, आपको वही सही करना पड़ता है जनरली। तो यहाँ पे देखो हु लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, लेफ्ट साइड में आई लगा है और राइट साइड में इज़ लगा है। आई के साथ क्या इज़ अग्री करेगा? नहीं, इसलिए इज़ की जगह क्या हो जाएगा बेटा? एम। और एरर कहाँ मिल जाएगी? पार्ट ए में। ठीक है, समझ में आई होगी बात? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रॉय द होल विलेज इफ नॉट स्टॉप्ड एनी हाउ। क्वेश्चन बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, पर इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है। चलो देखते हैं दिक्कत कौन सी है वो। क्या आप में से कोई बता सकता है इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? ट्राई करिए जल्दी से बताने का। देखिए, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रॉय द होल विलेज इफ नॉट स्टॉप्ड एनी हाउ। देखो बेटा, जो बचपन में हमको वर्ब फॉर्म याद कराई जाती थी, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ऐसी वर्ब फॉर्म्स आपको छोटी छोटी याद कराई जाती थी, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कहीं ना कहीं। मतलब अगर आपके दिमाग में वर्ब फॉर्म्स नहीं है या फिर कोई ऐसा शब्द लिखा है जिसकी वर्ब फॉर्म आपको नहीं पता है, तो क्वेश्चन करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी कि नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आप स्पॉट ही नहीं कर पाएंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म सही है और कौन सी गलत। इस क्वेश्चन में भी बेटा कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ओवरफ्लोन लिखा है ये गलत है, इट शुड बी ओवरफ्लोड, ओ वी ई आर एफ एल ओ डब्ल्यू ई डी। द रिवर हैज़ ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रॉय द होल विलेज इफ नॉट स्टॉप्ड एनी हाउ। ठीक है, तो ओवरफ्लो की आप वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे और फिर इसको एक और बार से याद करने का ट्राई करेंगे कि ओवरफ्लो की वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो, तो इस तरह से देखो वर्ब की फॉर्म्स जितनी भी होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा हमारे सामने वो भी गलत हो सकता है बिकॉज हमको वर्ब फॉर्म्स अगर नहीं आती हैं तो। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The tidings thrusted among the people and everybody was shocked to know that a farmer became billionaire in just one day by staking his money in share market. अभी देखो, शेयर मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है यार। एक गरीब आदमी को करोड़पति, अरबपति बना सकता है और एक बहुत अमीर आदमी को रातों रात वो रोड पे ला सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ एक किसान के साथ में हुआ है। उसने अपना पूरा पैसा स्टेक कर दिया किसी एक चीज़ में, शेयर मार्केट पे, और वो रातों रात बिलियनेयर बन गया। अब मे बी उस किसान की एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्मत रही होगी, बिकॉज ऐसा तो जनरली देखने को नहीं मिलता है क्योंकि किसान लोग इतना ज़्यादा शेयर मार्केट वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जनरली। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गड़बड़ी है। कह रहा है द टाइडिंग्स थ्रस्टेड अमंग द पीपल एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड। ये तो सही है, एवरीबडी वॉज शॉक्ड तो सही है, टू नो दैट अ फार्मर बिकेम मिलियनेयर, ठीक है ये, इन जस्ट वन डे बाय स्टेकिंग हिज मनी इन शेयर मार्केट, अब ये भी ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये यूज़ हुआ है थ्रस्टेड। थ्रस्टेड जो वर्ड होता है ये थ्रस्ट से बना है, टी एच आर यू एस टी, थ्रस्ट का मतलब होता है फैल जाना या फिर ऊपर की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना या फैल जाना, ये थ्रस्ट का मतलब होता है। ठीक, थ्रस्ट के अंदर एक जो खास बात है वो ये है कि इसकी तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं बेटा, तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। जैसे रीड का रीड रेड रेड होता है, कट की फॉर्म्स कट 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 होती हैं, पुट की फॉर्म पुट 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 होती है, वैसे ही थ्रस्ट की वो जो वर्ब फॉर्म होती है वो थ्रस्टेड नहीं होके थ्रस्ट ही होती है। यानी कि अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स की बात करें तो तीनों में थ्रस्ट जो रहता है वो सेम रहता है, थ्रस्टेड नहीं होता। तो यहाँ पे देखो द टाइडिंग्स थ्रस्ट अमंग द पीपल होगा, थ्रस्टेड नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप ऐसे वर्ब्स को ज़रूर याद रखें जिनकी तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। ठीक है, थ्री फॉर्म्स
सेम जिनकी होती हैं, और ऐसे शब्द बहुत नहीं होते हैं इसलिए आप सारे याद रख सकते हैं। लगभग 27-28 के आसपास वर्ड्स होते हैं जिनकी वर्ब फॉर्म सेम होती हैं। अगर उनसे ज़्यादा वर्ड्स बढ़ते हैं तो वो लगभग सेम कैटेगरी वाले हो जाते हैं। सेम कैटेगरी वाले से मतलब है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिखा है ब्रॉडकास्ट, तो अब उसके जो सेम क्लास वाले हैं वो सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एक तरह से ही हो जाएंगे, तो वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही मेंशन करेंगे, यानी कि टेलीकास्ट, फोरकास्ट, टाइपकास्ट, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, ईडी वाला फॉर्म नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 27-28 जनरल वर्ड्स हैं, आप उनको याद कर सकते हैं ताकि उनके मैचिंग के जितने भी वर्ड्स आएँ उन सबको आप ध्यान से कर पाएँ, ध्यान से देख पाएँ। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में इतने ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कल फिर से हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को लेके आएंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को लेके आएंगे। होपफुली हम कल टेंसेस की क्लास करेंगे, सो लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। और इन जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं बताते जा रहा हूँ, हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को ही हम लेके चलें ताकि माइंड में वो चीज़ें रोज़ फिट बैठती जाएँ। बहुत सारा एक दिन में पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें आ तो जाती हैं एक शॉर्ट टाइम में, लेकिन वो जल्दी ही चली भी जाती हैं। इसलिए हम धीरे धीरे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट को करेंगे ताकि वो डेवलपमेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर शार्प 8 बजे, जुड़ना ना भूलिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उन चीज़ों को माइंड में, या बहुत अच्छा होगा अगर आप अपनी कॉपीज़ में एज अ रूल नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से कल इसी टाइम पे शार्प 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।